हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इक्विटीज से रिलेटेड ऐसी जानकारी बताऊंगा जिसका आपको काफ़ी महीनों से वेट था आपको कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और उसमें उसका पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना जो है कैसे एग्ज़ाम होगा, सेंटर क्या होगा। तो उस बारे में पूरा डिटेल से बात करूंगा कि उसका एग्ज़ामिनेशन कब होगा। जैसे कि आप सबको पहले इस बात का पता होगा कि जो इक्विटीज का एग्ज़ाम होता था वो मई के महीने में स्टार्ट हो जाता था और जो उसका पेपर होता था तो उसमें जो खंड यानी कि जो उसमें होते थे चार्ट खंड होते थे जिसमें से जो लॉन्ग आंसर होते थे वो तीन खंड के होते थे और उसमें से तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखते हैं पूरा बदलाव क्या है, देखें आप पूरा वीडियो लास्ट करते हैं। तो देखिए आपके लिए मैं बता दूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों के छात्रों की अच्छी खबर है। लॉकडाउन की वजह से छात्रों की परीक्षा के दौरान कम प्रश्न हल करने पड़ेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद एकेटीयू ने निर्णय लिया है। इसके अलावा SIT ने 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं कराने का निर्देश कर दिया। यानी आपकी जो परीक्षाएं होंगी, जो एग्जाम होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, उनका टेंशन था इस बात का कि एग्जाम कब होगा, उसकी हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ क्योंकि अभी मई चल रही है, अभी आज डेट जो है 7 मई है। तो आपको अभी नियर अबाउट 7 मई, 7 जून, 7 जुलाई नियर अबाउट 2 महीना आपको मिल गया है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी 1 से 15 जुलाई के बीच आपकी प्रिपरेशन, आपके जो एग्ज़ाम की पेपर होंगे 1 से 15 जुलाई के बीच में आपकी परीक्षाएं होंगी। और आगे क्या गया है, एग्जीक्यूटिव से संबद्ध प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट और बीफार्मा कॉलेजों में पढ़ने वाले 2.5 लाख से अधिक छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। छात्रों को प्रश्न पत्र में कम सवालों के जवाब देने होंगे। जैसे कि आप सबको पहले एक खंडे में जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते थे उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, लेकिन अब आपको केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके मार्क्स कम नहीं किए गए, आपके नंबर उतना ही मिलेंगे जितना कि पहले मिलते थे, लेकिन आपको टाइमिंग और आपका जो क्वेश्चन पेपर कम कर दिया गया। जबकि देखिए यहाँ पर दिखाए, छात्रों को प्रश्न पत्र में कम सवालों के जवाब देने होंगे जबकि नंबर उनको उतने ही मिलेंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार के मुताबिक इंजीनियरिंग का प्रश्न 3 सेक्शन में आता है, जो कि पहले सेक्शन में 10 जबकि दूसरे व तीसरे सेक्शन में 5-5 प्रश्न होते हैं। इसमें दूसरे और तीसरे सेक्शन में छात्रों को कम 5 में से 3 प्रश्नों को जवाब देने होते हैं। SIT ने परीक्षा का समय 3 घंटे से 2 घंटे कर दिया, यानी 3 घंटे से कम कर दिया 2 घंटे कर दिया। इसलिए अब छात्रों को 5 में से 2 ही सवालों के जवाब देने होंगे। परीक्षा विभाग के अनुसार प्रश्न पत्र छप चुके हैं, उनको दोबारा नहीं छपा जा सकता, इसलिए पुराने प्रश्न पत्रों में इस विकल्प की जानकारी छात्रों को दी जाएगी। यानी जो आपके पेपर छप चुके हैं अब दोबारा नहीं छपाएगा इसलिए, क्योंकि इसमें पैसा बेकार जाएगा। तो इसलिए आपके जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको केवल पहले 3 करने होते थे, लेकिन अब आपको केवल 2 ही करने हैं और आपके मार्क्स उतने ही मिलेंगे, लेकिन आपका टाइमिंग पहले 3 घंटा का जो होता था अब वो टाइमिंग आपका 2 घंटे का हो जाएगा। तो ये थी आपकी बात की बड़ी खबर। फिर आगे क्या कर दिया, UGC ने सभी विश्वविद्यालयों गाइडलाइन जारी की थी कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा का समय 3 घंटे से कम करके 2 घंटे कर दिया जाए। UGC के इस प्रस्ताव पर अब SIT ने भी अपनी मोहर लगा दी। SIT की ओर से जो गाइडलाइन जारी की उसमें तकनीकी संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं छात्रों की परीक्षाएँ 2 घंटे का ही कराएं। यानी जब आपकी जो परीक्षा होगी 2 ही घंटे की होगी, अब ये कोई इसमें बदलाव होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए IIT की जो न्यूज़ है, इस तरह की जानकारी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह उनको शेयर कर ताकि उनको इस बारे में जानकारी मिल सके और उनको टेंशन ख़त्म हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकें।